कल रात को 10 बजे भारतीय जनता शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक और हमला दिल्ली की चुनी हुई सरकार पे किया। कल देर रात, रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने ये राजपत्र निकाला और DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की रिकमेंडेशन के खिलाफ। ये जो अपॉइंटमेंट DERC के चेयरमैन का हुआ है, ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है और ये दिल्ली के लोगों के खिलाफ लिया हुआ एक फैसला है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की क्या क्या ताकत है, चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है और केंद्र के नुमाइंदे के हाथ में क्या आता है, केंद्र की सरकार के हाथ में क्या आता है, ये मामला पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। एक चीज जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है दैट द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट on all issues except land, law and order and police is binding. इसका मतलब land, law and order और police के मुद्दों को छोड़कर जो बाकी सारे subjects हैं, जिन्हें transferred subjects कहा जाता है, उन पर केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के नुमाइंदों को चुनी हुई सरकार के फैसलों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के सिंगल जजेस ने बार बार एक बात दोहराई है कि सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर चुनी हुई सरकार के फैसले को केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार तो अपने आप को कानून से परे मानती है, केंद्र सरकार तो अपने आप को संविधान से परे मानती है। कल सुबह 21 जून को दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC के लिए LG साहब को एक रिकमेंडेशन भेजा। जस्टिस संगीत लोधा, जो राजस्थान हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उनके नाम को कल मेरे द्वारा मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री द्वारा LG साहब को, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, ये फाइल कल इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा भेजी गई। लेकिन दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के फैसले को ना मानते हुए, उसको साइड रखते हुए, कल रात को 10 बजे जस्टिस उमेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से DERC का चेयरमैन अपॉइंट किया। जैसा मैंने कहा, यह फैसला सिर्फ गैर कानूनी नहीं, यह फैसला सिर्फ गैर संवैधानिक नहीं है, यह फैसला दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए लिया गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग, दिल्ली के आम नागरिक साल दर साल, इलेक्शन दर इलेक्शन एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि वो भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है दिल्ली वालों की गलती है और भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिले,
वो चाहते हैं दिल्ली भी नोएडा की तरह हो जाए, जहाँ पे गर्मियों के मौसम में घंटों घंटों तक बिजली जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं दिल्ली भी गाजियाबाद की तरह हो जाए, जहाँ घंटों घंटों तक बिजली जाती है। वो चाहते हैं दिल्ली भी गुड़गांव की तरह हो जाए, जहाँ पे हर बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े पावर बैकअप होते हैं, क्योंकि सरकार तो बिजली 24 घंटे देती नहीं है। लेकिन दिल्ली वालों ने गलती करी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो पीक समर्स में भी बिना किसी पावर कट के बिजली देते हैं। ये दिल्ली वालों की गलती है। दिल्ली वालों की दूसरी गलती है कि उन्होंने जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री तीसरी बार बनाया, वो देश में सबसे सस्ती बिजली देते हैं। अगर आप देश भर के पावर टैरिफ्स को कंपेयर करने जाइए, एक सामान्य 300 यूनिट का जो कंजम्पशन है, जहाँ पर दिल्ली में, और ये तो सब्सिडी से पहले है, विदाउट सब्सिडी भी दिल्ली के पावर टैरिफ्स देश में सबसे कम हैं। विदाउट सब्सिडी 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले परिवार को 4.5 रुपये यूनिट पर बिजली मिलती है। वही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, आसाम में, अगर एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार 300 यूनिट बिजली लेता है, तो जो बिजली दिल्ली में 4.5 रुपये यूनिट मिलती है, वो आसाम में 8.20 रुपये पर यूनिट मिलती है। उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बिजली 6.5 रुपये यूनिट मिलती है। मध्य प्रदेश में 6.70 रुपये प्रति यूनिट मिलती है। और महाराष्ट्र में अगर एक मिडिल क्लास परिवार 300 यूनिट बिजली का प्रयोग कर रहा है, तो वो बिजली 10 रुपये यूनिट पे मिलती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल देश की सबसे सस्ती बिजली देते हैं। और हम जैसे लोग जो बचपन से दिल्ली में रहते हैं, उन्हें पता है कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के बाद, बनने के बाद मिलनी शुरू हुई है। वरना अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे, ना सिर्फ हर साल, हर 6 महीने पर बिजली के दाम बढ़ते थे। बिजली के बिल इतने बढ़े हुए आते थे कि एक मिडिल क्लास परिवार को बिजली का बिल भरने के लिए घर के और खर्चे काटने पड़ते थे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, 2015 से आज 2023 तक, एक बार भी बिजली के रेट नहीं बढ़े। दिल्ली वालों की एक तीसरी भी गलती है। दिल्ली वालों की तीसरी गलती है कि उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुन के भेज दिया, जो ना से सबसे सस्ती बिजली देता है, जो ना से 24 घंटे बिजली देता है, बल्कि दिल्ली में 41 लाख परिवारों को फ्री बिजली देता है। ये दिल्ली वालों की गलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो दिल्ली वालों की 24 घंटे बिजली रोकना चाहती है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो 41 लाख दिल्ली के परिवारों का 0 बिजली बिल रोकना चाहते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिले। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जैसे आसाम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी महंगी बिजली देती है, अब दिल्ली वालों को भी महंगी बिजली मिले। तो ये जो राजपत्र रात के अंधेरे में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से लाया गया है, ये दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ध्वस्त करने के लिए लाया गया है। दिल्ली में फ्री बिजली बंद हो जाए, उसके लिए लाया गया है। दिल्ली में देश की सबसे महंगी बिजली मिले, इसलिए लाया गया है।
दिल्ली वालों को भी नोएडा गाजियाबाद गुड़गांव की तरह लंबे लंबे पावर कट मिले, इसलिए लाया गया है। लेकिन मैं सभी दिल्ली वालों को दिल्ली की सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि जिस तरह पिछले 8 साल से केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर करके हमने दिल्ली वालों के काम करवाए हैं, उसी तरह से इस गैर कानूनी राजपत्र के खिलाफ भी, इस गैर कानूनी DERC चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट में इस इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट के खिलाफ केस दर्ज करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कदम को जरूर स्ट्राइक डाउन करेंगे। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन आया कि पुलिस सरकार कैडर निर्वाचित की नियुक्ति हो, आप लोगों ने जो पहला नाम भेजा था उसकी नियुक्ति भी नहीं हुई, दूसरा नाम भेजा उनको भी नियुक्त नहीं किया गया, तो आप लगता है कि आगे अगर इस तरह का प्रस्ताव भेजा जाए तो उसकी भी जांच कर दिया जाए? देखिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने एक नाम भेजा, जस्टिस राजीव श्रीवास्तव का नाम भेजा, जिन्होंने 4 या 5 दिन पहले व्यक्तिगत कारणों से अपना नाम विड्रॉ किया कि वो व्यक्तिगत कारणों से DERC चेयरपर्सन नहीं बन सकते। उनके नाम विड्रॉ करने के 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके एक नया नाम भेजा LG साहब को, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा करते हुए भी कल रात को ये इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया। लेकिन हम इस इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम दिल्ली वालों के लिए पिछले 8 साल से संघर्ष करते आए हैं, इस गैर कानूनी अपॉइंटमेंट के खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे। दिल्ली वालों को फ्री बिजली देना, दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली देना, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का वादा है और हम इस वादे को पूरा करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी, जस्टिस संगीत लोधा, जो राजस्थान हाई कोर्ट से एक रिटायर्ड जज हैं। मैं मंडावली में एक मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहा है, PWD की कार्रवाई बताई जा रही है, आप क्योंकि PWD मंत्री? जो मंडावली में मंदिर तोड़ा जा रहा है और उसके अलावा 10 और मंदिर तोड़ने का आदेश भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के LG साहब विनय सक्सेना जी ने दिया है, जब ये फाइल रिलीजियस कमिटी से होते हुए तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आई, मनीष सिसोदिया जी ने उस पर स्पष्ट तौर पर लिखकर भेजा कि कोई भी मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जाए। जब वो फाइल LG साहब के पास गई तो उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को ओवर रूल किया और कहा कि उन सारे मंदिरों को तोड़ा जाए, और उसके बाद उन्होंने उस फाइल पर लिखकर भेजा कि क्योंकि मंदिर तोड़ना एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है, आगे से इससे जुड़ी हुई कोई भी फाइल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी, ये फाइलें सीधा चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से LG साहब को जाएंगी। तो आज जो मंडावली में मंदिर तोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में दिल्ली में कई और मंदिर तोड़े जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे LG साहब विनय सक्सेना जी के आदेश पर तोड़े जा रहे हैं। आप इसका विरोध करेंगे क्योंकि बीजेपी द्वारा विरोध कर रही है? बिल्कुल विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता कल शाम से ही वहां पे उस मंदिर में मौजूद हैं
और वहाँ पर हमारे बगल के एरिया के विधायक कुलदीप कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी, उन्होंने कल शाम को वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी किया है। आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो एलजी साहब से निवेदन करूँगी कि इस देश के लोगों की धार्मिक आस्था अलग अलग धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई है, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है कि आप अब अपने आप को एक शहंशाह और एक दिल्ली का राजा समझने लगे हैं कि अब आप दिल्ली के लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं। धन्यवाद।